सीएम फलांगी ने पकड़ा नकली किताबों का जखीरा। रोहतक से रेवाड़ी पहुंची थी सप्लाई के लिए, एक दुकान पर कर चुका था सप्लाई, अपना बाजार में पकड़ा गया। दिल्ली से पहुंची एनसीईआरटी की टीम ने की जांच, थाना शहर में किया गया मुकदमा दर्ज। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की नकली किताबों से प्रदेश में मोटी कमाई का खेल चल रहा है। शनिवार को सीएम फ्लाइंग ने देर रात तक एनसीईआरटी की नकली किताबों से भरी गाड़ी पकड़ी। देखने में ये किताबें हूबहू असली जैसी दिखती हैं, मगर लोगो आदि नहीं होने से यह जखीरा पकड़ा गया, जो कि रोहतक से रेवाड़ी सप्लाई के लिए लाया गया था। प्राथमिक जांच से पता चला है कि रोहतक से प्रदेश भर में यह मोटी कमाई का खेल चल रहा था और पूरे प्रदेश में किताबों की सप्लाई की जा रही थी। एनसीईआरटी एंटी पायरेसी सेल के चेयरमैन विपिन दीवान की माने तो ऐसा बड़ा खेल चल रहा है, यह पूरे प्रदेश में भी हो सकता है, इसकी जांच जरूरी है। लेकिन जिस तरह से सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई की है वह काबिले तारीफ है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस खेल का बड़ा खुलासा हो सकता है, ताकि इन बड़े लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। कार्रवाई के दूसरी ओर सवाल भी अनेक हैं। जिस तरह से प्रदेश भर में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ इतने बड़े स्तर पर खिलवाड़ हो रहा हो, बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर गुप्तचर विभाग सीएम सेल इससे पहले क्या कर रहे थे? क्योंकि सीआईडी का काम ही इस तरह की जानकारी जुटाना हो, लेकिन जिस तरह से दो गाड़ियों पर कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, सवाल भी खड़े करता है। कार्रवाई की है इन्होंने, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अलर्टनेस दिखाई है कि ये जो नकली किताबों का इतना बड़ा जखीरा आपके सामने है, ये इन्हीं लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे पास जैसे ही टेलीफोन आया तो हम लोग यहाँ आए और हमने चेक किया और पाया कि ये किताबें बिना वाटरमार्क के हैं और इनके अंदर इवन जो कागज़ लगा हुआ वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का लगा हुआ है। ये किताबें ना केवल बच्चों के लिए हार्मफुल हैं, क्योंकि कागज़ जो है इसके अंदर बहुत घटिया किस्म का और जिस तरह की छपाई है वो बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट एनसीईआरटी की तरफ से हमें ये मुख्यमंत्री जी के जो उड़नदस्ता है इसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, रेदर पूरे हरियाणा के बच्चों को इनको धन्यवाद देना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की है इस इशू के अंदर और बहुत अलर्टनेस दिखाई है, और जिस वजह से आज ये सब आपके सामने है। अब बाकी आगे की कार्रवाई तो इस पर होती रहेगी, इसमें गोदाम का पता लगेगा, वहाँ से प्रेस का पता लगेगा, उसके अलावा जो है कई बुक सेलर्स जो जो इसको बेच रहे हैं उसके विषय में पता लगेगा, तो पूरा नेटवर्क बाहर आना चाहिए थोड़े दिन में। और उसमें उम्मीद करते हैं आप लोगों से हमें सबसे और मुख्यमंत्री जी के इस उड़नदस्ते से हमें पूरा सहयोग मिलेगा, जिस वजह से हम आगे की अपनी कार्रवाई कर सकेंगे। और ये कितनी किताबों की खेप मिली थी आपने? ये तो अभी लिस्टिंग हो रही है ना जी, और ये तो इन ट्रांजिट थी। अब ये आगे थोड़ा और पता लगेगा कहाँ पड़ी हुई है, वहाँ कितनी है और बाजार में कितनी है, तो उसमें मतलब थोड़ा सा समय तो लगेगा। कितना बड़ा नेटवर्क होगा जी उसमें? देखिए एकदम अंदाजा लगाना संभव नहीं है, लेकिन नेटवर्क जरूर बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह से वैरायटी ऑफ टाइटल्स है इनके पास में, जैसे एक ये गाड़ी थी ऐसी पता नहीं कितनी गाड़ियां और हो सकती हैं, कहाँ से आया वो तो तहकीकात का विषय होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क लगता है मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के हाथ में लगा है और इससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी इसको फाइट करने में, मतलब सारे तार मिलते जाएँ और हम उन बुक सेलर्स तक पहुंच जाएं जो लोग इसको बेचते जा रहे हैं, उनको भी आगे के लिए सबक मिलेगा और उनको देख के जो लोग कभी सोचते भी होंगे कि हम आगे इस तरह की किताब बेचेंगे वो भी पीछे हटेंगे और उससे बच्चों को बहुत अच्छी किताबें मिलेगी। इस काम की तो सर जितनी तारीफ की जाए वो कम। तो ये तो हरियाणा के बाहर भी बिकती होंगी ऐसी किताबें? देखिए वो अब देखने का विषय है। अच्छा, मतलब इस पर थोड़े और एग्रेसिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और जगह भी इसमें जरूरत है, इसमें एकदम कुछ भी कहना ज्यादा संभव नहीं। अभी तक ऐसी कोई किताबें पकड़ी गई हैं पहले? नहीं नहीं, पहले भी हुआ, मेरठ के अंदर भी एक बार प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर रेड हुई थी, अभी लास्ट ईयर कुछ महीने पहले मंडावली में हुआ, उससे पहले हापुड़ वगैरह में भी हुआ है। कार्रवाई चलती जाती है, लेकिन इनके भी हौसले बुलंद होते जाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ हम अपना काम अगर इसी तरीके से करते रहे और सभी लोग इसी तरीके से अलर्ट रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हम बड़े गर्व से कह देंगे कि अब एनसीईआरटी का पायरेटेड वर्जन नहीं आता, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा। जिस तरीके से अब काम हो रहा है और जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस आ रही है और जिस तरीके से बुक सेलर्स में अवेयरनेस, उससे अब लगता है कि बहुत जल्दी मतलब ये पूरा सफाया हो जाएगा इस पायरेसी वाले कहने। ठीक है सर, ठीक है। आज हमें जो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता है उसके इंस्पेक्टर के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस तरह से कोई नकली एनसीईआरटी की किताबें रेवाड़ी में सप्लाई करने के लिए आ रही है,
तो आप हमारे, क्योंकि शिक्षा विभाग से कोई एक अधिकारी की आवश्यकता थी, तो उन्होंने डीओ साहब से कॉन्टेक्ट किया। डीओ साहब ने मेरे को अधिकृत किया कि ऐसे ऐसे कोई मुख्यमंत्री उड़न दस्ता इस तरह से कोई रेड मारेगा तो आपको उनके साथ एज ए ड्यूटी ऑफिसर जाना है। तो हम यहाँ आए तो ये जो बस स्टैंड के साथ जो लगता हुआ मार्केट है, यहाँ हमने इस गाड़ी को पकड़ा जिसमें ये ड्राइवर बैठा हुआ था। और जब हमने सारे किताबों की तलाशी ली तो हमें कागज़ की क्वालिटी और प्रिंटिंग से ही डाउट हो गया था कि ये बुक्स नकली हैं। अब उसके लिए हम अधिकृत नहीं हैं कि वो नकली हैं या असली हैं, उसके लिए हमने NCERT के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने, वो टीम वहाँ से चली और वो टीम यहाँ करके उन्होंने मूल्यांकन किया तो उन्होंने पाया कि सारी किताबें नकली हैं। ये 23 टाइटल हैं जिनमें से लगभग 746 बुक्स हैं जो NCERT के हैं। इसमें और भी अनपब्लिशर्स की बुक हैं, उनके बारे में अभी तक पता नहीं चला गया है कि वो नकली हैं या असली हैं। उसके बारे में उन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि वो भी असली हैं या नकली हैं। सर, कहाँ से लेकर आए, कहाँ से? इस ड्राइवर ने जो बताया है कि ये कोई रोहतक की कोई फर्म है, उसका नाम है बाबूराम प्रदीप, वहाँ से ये लेके चला है और ये रेवाड़ी के बुक डिपो में अलग अलग सप्लाई करने के लिए आया हुआ था, जैसा इस ड्राइवर ने बताया।